अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक न्यू मोबाइल के बारे में, रियलमी 3, जो कि अभी अभी रिलीज़ हुआ है। बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ये मोबाइल हो चुका है, रियलमी 3 प्रो। आज मैं इसकी सारी स्पेसिफिकेशन के बारे में बताने वाला हूँ आप लोगों को, इसके अंदर क्या ख़ास बात है और इसकी GB कितनी रैम है, कितनी इसकी मेमोरी, कितने GB है, इसके सेंसर, इसकी सिम और बाकी सारी चीज़ों के बारे में, ख़ास तौर पे इसके कैमरे के बारे में। जी, इसका सब कुछ मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। रियलमी 3 प्रो से पहले रियलमी 3 आया था खाली, अब उन लोगों ने इसके बाद जो रियलमी 3 प्रो निकाला है, जो अभी अभी मे के अंदर रिलीज़ हुआ है, ये मोबाइल बहुत ही ज़्यादा दोस्तों चला है और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, क्योंकि इसके कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त है इस मोबाइल के। और अगर इसके हम लोग एंड्रॉयड कैमरे की बात करें तो वो भी बहुत ज़बरदस्त है इसका एंड्रॉयड वर्जन और कैमरा। अगर बैटरी की बात की जाए तो वो भी बहुत ही इसकी ज़बरदस्त टाइमिंग में है, और वो आप लोगों को ये पूरा मोबाइल बहुत ही कम रेंज के अंदर अवेलेबल मिल जाएगा मार्केट में। इसके अंदर दो तरह के मोबाइल आप लोगों को मिलते हैं, आज इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो जल्दी से कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ ऐसी न्यू मोबाइल के रिव्यूज़ और टेक से रिलेटेड न्यूज़। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को रियलमी 3 प्रो के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ स्पेसिफिकेशन। अगर हम लोग दोस्तों इसके परफॉर्मेंस की बात करें, इसके CPU की बात करें, तो यहाँ पर इसके अंदर लगा हुआ है ऑक्टा कोर, जो कि बेहतरीन सिस्टम लगा हुआ है और ये 2019 में सबसे ज़्यादा मोबाइल में देखने को हमें मिला है। और अगर इसका CPU की बात करें तो वो इसके अंदर लगा हुआ है स्नैपड्रैगन 710, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर स्नैपड्रैगन का ये कि एंड्रॉयड इसका कितना है, इसके डिस्प्ले कितना है, तो इसका एंड्रॉयड जो है वो 9.0 है, जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है मोबाइलों में आजकल। इसका एंड्रॉयड वर्जन से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है। और अगर दोस्तों इसके डिस्प्ले की हम लोग बात करें तो वो आप लोग को मिल जाता है 6.3 इंचेस स्क्रीन, इतना अच्छा डिस्प्ले जिसके अंदर आप लोग HD क्वालिटी में वीडियोस देख सकते हैं, अपनी कोई भी आप लोग वीडियो देख सकते हैं, मूवी देख सकते हैं दोस्तों। और इससे अगर हम लोग कैमरे की बात करें कि कैमरा इसका बैक कैमरा कितने मेगापिक्सल का है, तो वो आप लोग को यहाँ पर मिल जाता है 16 मेगापिक्सल। यहाँ पर दोस्तों 16 मेगापिक्सल के साथ एक और ख़ास बात आप लोग को यहाँ देखने को मिल जाती है कि इसके अंदर आप लोगों को 5 मेगापिक्सल एक्स्ट्रा जूम के लिए यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है। तो इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि ये डुअल कैमरा है, ये सिंगल कैमरा नहीं है। इसके अंदर 16 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल एक्स्ट्रा दिया गया है। अगर हम लोग दोस्तों यहाँ फ्रंट कैमरे की बात करें, क्योंकि फ्रंट कैमरा सबसे मेन चीज़ होती है मोबाइल की, क्योंकि उसी की सबसे ज़्यादा लोगों को ज़रूरत होती है, फ्रंट कैमरा यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है ज़बरदस्त 25 मेगापिक्सल, जो कि बिल्कुल सिंगल है मगर बहुत ही शार्प फोटो लेने वाला है। दोस्तों यहाँ पर 25 मेगापिक्सल बहुत ही अच्छा फ्रंट कैमरा है। ज़्यादातर मोबाइलों में आजकल ये देखने को मिला है कि उनका फ्रंट कैमरा ज़्यादा इतना अच्छा खास नहीं होता, लेकिन अभी कुछ मोबाइल जो लेटेस्ट आए हैं उसके अंदर ही सिर्फ ऐसा किया गया है कि फ्रंट कैमरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा रखा गया है। अगर हम लोग इसके मेमोरी की बात करें या रैम की बात करें दोस्तों, तो इसकी रैम सबसे ज़्यादा ख़ास बात यही है कि इसके अंदर दो तरह की रैम दोस्तों मिल जाती है आप लोगों को, एक तो 4GB और एक 6GB। दोस्तों यहाँ पर 4GB रैम जो है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है, और अगर आप 6GB रैम लेना चाहते हैं तो उसके अंदर आप लोगों को मिल जाती है 128GB मेमोरी। 4GB रैम के साथ आप लोगों को मिल जाती है 64GB मेमोरी, और आपको 6GB रैम के साथ मिल जाती है ये 128GB मेमोरी। दोस्तों इसी के साथ साथ इसी के पैसे ऊपर नीचे भी हैं, क्योंकि इसकी रैम और इसकी मेमोरी की वजह से इसके पैसों में कुछ फ़र्क भी है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इसकी बैटरी की, जिसकी वजह से ये मोबाइल इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ है दोस्तों, यहाँ पर इसकी बैटरी आप लोगों को मिल जाती है 4045 mAh, 4045 mAh की इसकी ये बैटरी है, जो कि बहुत ही हाई बैटरी है। और दोस्तों ये फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड बैटरी आप लोगों को यहाँ मिल जाती है देखने के लिए। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इसके सेंसर के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है लाइट का सेंसर, कंपास का सेंसर और बाकी वो चीज़ों का सेंसर जो इस मोबाइल के लिए ज़रूरत होती है, जो एक नॉर्मल स्मार्टफोन के लिए ज़रूरत होती है उन सेंसरों की, वो सारे आप लोगों को यहाँ सेंसर देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर हम लोग इसके नेटवर्क की बात करें या फिर इसके और चीज़ों की बात करें, तो इसके अंदर नेटवर्क जो है वो 5G सपोर्टेड बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। आप लोगों को कुछ वीडियोस ऐसी भी दिखाई जाएंगी जिसके अंदर ये कहा जा रहा होगा कि रियलमी 3 प्रो के अंदर 5G सपोर्टेड है, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है।
ये सिर्फ और सिर्फ 4G सपोर्टेड है। यहाँ पर 2G इसके अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 3G इस्तेमाल कर सकते हैं और 4G इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा दोस्तों आप लोग इस मोबाइल के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अगर हम लोग इसके जैक और बाकी चीज़ों के बारे में बात करें तो इसका जैक आप लोग को मिल जाता है 3.5 mm का जैक इसके अंदर लगा हुआ है। कुछ मोबाइल अभी भी लेटेस्ट ऐसे भी आए हैं जिसके अंदर जैक के थोड़े इशू आ रहे हैं या फिर जिनके अंदर जैक नहीं है, लेकिन इसके अंदर आप लोग को मिल जाता है 3.5 mm जैक। इसी के साथ आप लोग को मिल जाता है FM रेडियो, जो का इसका अपना FM रेडियो है। आप लोगों को कोई अलग से FM रेडियो दोस्तों डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर आप लोगों को मैं ये भी बताता चलूँ कि FM रेडियो डाउनलोड करने के लिए कुछ मंथली चार्जेस भी अक्सर लग जाते हैं, लेकिन इसके अंदर बिल्कुल फ्री है आपका FM रेडियो। इसके अंदर आप लोगों को कोई भी इशू नहीं आएगा, बिल्कुल सही तरीके से आपको ये चलेगा। अगर हम लोग दोस्तों इसकी एक और बात करें तो इसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है LED फ्लैश कैमरे के साथ। यहाँ पे आप लोगों को फ्रंट कैमरे पे कोई LED फ्लैश नहीं मिल रहा दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ मिलेगा बैक कैमरे के ऊपर LED फ्लैश। अगर हम लोग यहाँ पे कलर्स की बात करें कि ये मोबाइल कितने कलर्स के अंदर है, तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ 3 कलर्स के अंदर ये मोबाइल आ चुका है। एक तो दोस्तों यहाँ पर आ गया है लाइटनिंग पर्पल, पर्पल जो कलर है जो वो बहुत ही ज़बरदस्त दोस्तों गुड लुकिंग कलर है। और एक और यहाँ पर आप लोग को मिल जाता है ब्लू कलर, और एक मिल जाता है दोस्तों आप लोग को यहाँ पे कार्बन ग्रे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 कलर आप लोग को यहाँ स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे कि किस तरह के कलर हैं और ये कितने अच्छे देखने में लग रहे हैं। तीनों बेहतरीन कलर आप लोग को मार्केट में तीनों अवेलेबल मिल जाएंगे। अगर हम लोग इसकी एक और बात करें इमेज रेजोल्यूशन की दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग को 4000 से भी ऊपर दोस्तों इमेज रेजोल्यूशन इसका मिल जाता है। ये इसके अंदर सबसे बढ़िया बात है कि इसके अंदर आप लोग बहुत ही हाई रेजोल्यूशन की वीडियो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं और इसके अंदर कैप्चर कर सकते हैं HD क्वालिटी के अंदर वीडियोस। आप लोग कैप्चर करना चाहे तो इसके अंदर इमेजेस भी HD क्वालिटी की दोस्तों वीडियोस और इमेजेस आप लोग कैप्चर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ इस मोबाइल के अंदर आप लोग को मिल जाता है एक और बेहतरीन चीज़ दोस्तों, जो कि आप लोगों का इसके अंदर बैटरी है। बैटरी तो खैर मैंने बता दिया, इसके साथ मैं आपको बताऊँ कि बैटरी के अंदर अगर आपको टॉक टाइम यहाँ पर देखा जाए बैटरी का दोस्तों, तो वहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है 32 आवर्स टॉक टाइमिंग दोस्तों। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप लोग 32 आवर्स तक लगातार अगर आप लोग इस मोबाइल पर बात करते रहें तो दोस्तों इसकी बैटरी चल जाएगी 32 आवर्स दोस्तों। ये बहुत ही बड़ी जो है बहुत ही ज़्यादा टाइम होता है 32 आवर्स जो इसके अंदर सपोर्टेड है। अगर दोस्तों हम लोग इसकी मेन चीज़ दोस्तों अगर हम लोग इसके प्राइस की बात करें तो वो भी इतनी ज़्यादा खास नहीं है, बहुत ही नॉर्मल प्राइस के अंदर ये आप लोगों को मिल जाता है। इसके अंदर अगर आप लोग चाहे तो इसकी जो अपनी इंटरनल स्टोरेज है दोस्तों वो आप लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। इसके अंदर आप लोगों को दोस्तों SD कार्ड देखने को नहीं मिलता, आप लोगों का कोई भी इस तरह का पोर्शन नहीं दिया हुआ यहाँ पे SD कार्ड लगाने का, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप लोग इसकी अपनी मेमोरी जो है वो एक्सपेंड कर सकते हैं और वो आप 256 GB तक दोस्तों एक्सपेंड कर सकते हैं इस मेमोरी को। अगर इसके प्राइस की बात करें दोस्तों जी, तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाता है 4GB रैम 64GB मेमोरी के आप लोग को यहाँ पे प्राइस मिल जाते हैं 34,000 यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाते हैं। अगर आप लोग को 4GB रैम का चाहिए मोबाइल, उसके अंदर 64GB मेमोरी लगी हुई होगी, तो उसके प्राइस आप लोग को यहाँ पे मिल जाते हैं 34,000। और अगर आप लोगों को 6GB रैम का दोस्तों चाहिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसके अंदर 6GB रैम और 128GB मेमोरी भी अवेलेबल मिल जाता है, तो वो आप लोगों को यहाँ पे दोस्तों मिल जाता है 39,000 रुपीज़ का। इसके अंदर दोस्तों 4 से 5 हज़ार रुपये का दोस्तों यहाँ पे फ़र्क आप लोगों को दिख रहा होगा, 5,000 रुपये का यहाँ पे फ़र्क है दोनों मोबाइल के दरमियान। इसके अंदर सिर्फ इसके अंदर यही फ़र्क है दोस्तों कि इसके अंदर रैम और मेमोरी इसकी ज़्यादा है। आप लोगों को जो दोस्तों 34,000 का जो मोबाइल है 4GB रैम, वो आप लोगों को ऑफलाइन और ऑनलाइन मार्केट दोनों पर अवेलेबल दोस्तों मिल जाएगा, लेकिन जो दोस्तों आप लोगों को 6GB मेमोरी 6GB रैम और 128GB मेमोरी वाला जो दोस्तों यहाँ पर आप लोग को मोबाइल मिल रहा है 39,000 के अंदर, तो वो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन मार्केट के अंदर दोस्तों मिलेगा। ये ऑनलाइन मार्केट में अभी नहीं है, शायद ये आगे कुछ टाइम बाद इस ऑफलाइन मार्केट को हटा के ऑनलाइन मार्केट में भी लेकर आए, लेकिन अभी ये फ़िलहाल ऑफलाइन मार्केट के अंदर ही है दोस्तों। ये आप लोगों को कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त मोबाइल है। मैं तो दोस्तों आप लोगों को यही रिकमेंडेड करूँगा कि आप लोग यही मोबाइल लीजिए, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों का कोई सा भी गेम हो वो आपका स्मूथली चल जाएगा इसके अंदर। इसके अंदर अगर आप लोग बाकी बैटरी की टाइमिंग की बात करें तो वो भी इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त है। इसका प्रोसेसर वगैरह सब कुछ इसके अंदर बहुत ही हाई लगा हुआ है। आप लोगों को ये मोबाइल कैसा लगा ये मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और
इस वीडियो को जितना लाइक कर सकते हैं करिए, और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि ये लेटेस्ट मोबाइल बहुत ही ज़बरदस्त है जिसने मोबाइल की दुनिया को हिला के रख दिया है दोस्तों। और अगर इसको आप लोगों को ये मोबाइल लेना हो तो इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों कि आप लोग ये मोबाइल कहाँ से लें। और इसी तरह अगर आप लोगों को टैक्स से रिलेटेड या मोबाइल से रिलेटेड न्यू वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।